हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पतंग। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो और वहाँ से अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स खरीदने वाले हो, जैसे कि ड्रोन्स हो गए या फिर आईफोन या फिर लैपटॉप्स, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला हूँ अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पे हो। तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि अगर आप एज ए टूरिस्ट कहीं जा रहे हो तो फिर आप ये फ़ायदा ले सकते हो। और हर कंट्रीज़ में नॉर्मली 5% GST लगती है कुछ भी आप खरीदते हो, तो उसको आप एयरपोर्ट पर आते वक्त डिपार्चर से ठीक पहले आप क्लेम कर सकते हो और आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आप कैसे GST रिफंड को अवेल कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट वाइल ऑन फॉर ए ट्रिप। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करने जाते हैं बाहर, और ज़्यादातर टूरिस्ट को इस बात का पता ही नहीं होता है कि उन्हें GST रिफंड का एक बेनिफिट मिल सकता है उनके सारे शॉपिंग परचेजेस पे, अगर वो एक काम करें तभी, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप दुबई, US या फिर सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़रीदारी करी है, तो आप GST रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और आपको पता ही है कि इंडिया में ये सारी चीज़ें कितनी महंगी मिलती है। आपका टैक्स ही बहुत इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर आप दुबई से राउंड ट्रिप का टिकट लेकर के जाओ तो आपको तब भी आईफोन एक सस्ते में पड़ जाएगा। तो यही सब सोचकर लास्ट ईयर जब मैं सिंगापुर के ट्रिप पे था, तो सोचा कि ड्रोन ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा डील मिल रहा था मुझे। 76 का मुझे इन स्टोर प्राइस मिला और 5% GST मुझे रिफंड मिल गया एयरपोर्ट पे जब मैं वापस इंडिया आ रहा था, विच इज़ अराउंड 3500 के आसपास कुछ ऐसे करके, और सस्ते दाम पे मुझे मिल गया ड्रोन। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। तो रिफंड क्लेम करना बहुत ही सिंपल है, जितना कि आप लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल या फिर टफ होगा या फिर मुश्किलें आएंगी इसको रिफंड लेने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ सारा सीक्रेट जो मैंने यूज़ किया। तो सबसे पहले तो आप जब खरीदारी कर रहे हो, यानी कि शॉपिंग काउंटर पे आप जब बिल करने वाले हो, तो उस समय आप बता दो कि आपको GST रिफंड चाहिए, और फिर शॉपकीपर आपसे बोलेगा आपका पासपोर्ट देने के लिए, तो आपके पासपोर्ट नंबर पे ये परचेज को मैप कर देगा। तो इससे होगा क्या कि आपके पासपोर्ट पे ऑलरेडी ये इनवॉइस नंबर जो है ये अपडेट हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो सिंगापुर टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड है, हमें कुछ भी पेपर वर्क नहीं करना पड़ा इसके लिए। तो सबसे पहला स्टेप, शॉपिंग के टाइम आप मेंशन करो कि आपको GST रिफंड चाहिए, आप एक टूरिस्ट हो, आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं हो, तो फिर वो आपके बिलिंग पे मैप कर देंगे आपका ये परचेज। उसके बाद स्टेप टू, एयरपोर्ट पर जाने के टाइम तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार ये स्टेप कर रहा था कि GST रिफंड के लिए। अंदर जाते ही जैसे ही इमिग्रेशन कंप्लीट किया, मैंने अंदर देखा कि GST रिफंड काउंटर लेफ्ट साइड में है, और वहाँ पे दो काउंटर्स थे, एक सेल्फ सर्विस कियोस्क थे जो डिजिटल थे, आप खुद ही टच करो, अपना डिटेल्स फीड इन करो और फिर आपको क्लेम मिल जाएगा। दूसरा एक कस्टम्स ऑफिसर वहाँ पे है जो कि रिफंड के लिए आपका प्रोसेस करता है। बट द ओनली कैच इज़ दैट कि आपका प्रोडक्ट बॉक्स ओपन नहीं होना चाहिए अगर आप काउंटर पे जाते हो। तो अगर आपने डब्बा खोल दिया है तो फिर वो पुराना आइटम होगा और फिर आप GST रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ये इसका आप ध्यान रखें। बट मैंने तो ऐसे भी ड्रोन के लिए रिफंड लेना था, तो मैंने तो डब्बा ऑलरेडी फेंक दिया था, क्योंकि मुझे वापस इंडिया लेकर आना था एज ए पर्सनल आइटम के लिए, मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर आप एक पीस ड्रोन अपने साथ लेकर आते हो तो वो पर्सनल आइटम होता है, उसको इंपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत लोग इंपोर्ट वर्ड हर समय यूज़ करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करके ले आया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, बट दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज इंपोर्ट, राइट। तो इस बात का ध्यान रखें, डब्बा तो आपको फेंक देना ही है। वहाँ पे जो ऑफिसर है, कस्टम का ऑफिसर, उसके पास तो आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डब्बा खोल दिया है अपने आइटम का। तो फिर लास्ट ऑप्शन है, आपको कियोस्क पे जाना है। तो कियोस्क पे हमने गया, वहाँ पे जिस कार्ड से आपने पे किया है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे ही आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हो। वहाँ पे एक बारकोड स्कैनर होता है उस कियोस्क मशीन में, उस पर आप अपना पासपोर्ट अंदर डालो और आपका जो भी परचेज लिंक्ड है आपके पासपोर्ट से वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको सारे पे सेलेक्ट करना है, रिफंड इनिशिएट कर देना है। 10 दिन के भीतर जिस कार्ड से आपने पेमेंट किया था शॉपिंग करते वक्त, उसमें आपका 5% रिफंड आ जाएगा। ये इतना सिंपल है। उस समय तो मुझे लग रहा था भाई वापस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, चलो बैठ लेते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस, कोई गाइड नहीं था हमारे पास, सब कुछ हम पहली बार कर रहे थे। और वापस इंडिया आने के बाद 10 दिन के भीतर हमारे अकाउंट में 5% पैसे वापस आ गए थे। तो ये इतना सिंपल है, बस आपको इतना ही करना है। आप समझ सकते हो, अगर आप एक सप्ताह या दो सप्ताह के लिए बाहर घूमने जाते हो और आपने बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, तो आप कितना सारा पैसा बचा सकते हो। इतने छोटे से सिंपल से स्टेप्स को लेकर के आप बहुत आराम से शॉपिंग कर सकते हो
तो अगली बार अगर आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो और अगर आप कुछ महंगे गैजेट्स खरीदने के प्लान कर रहे हो तो ये स्टेप्स का ध्यान जरूर रखें कि आप जीएसटी रिफंड ले सकते हो एज ए टूरिस्ट। और बिल्कुल भी मत भूलिएगा पासपोर्ट से लिंक कराने का अपने परचेज को, अगर आपने ये नहीं कराया तो आप जीएसटी रिफंड नहीं ले सकते हैं। बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, फिर उसके बाद उस झंझट में क्यों ही पड़ना है अगर आपको इतना आसान सा रास्ता मिल जा रहा है। सिंगापुर में तो डिजिटल कियोस्क थे, आई होप यूएस या फिर दुबई से आते वक्त भी आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कियोस्क मिल जाए जहाँ पर आप डायरेक्टली खुद ही जाकर पासपोर्ट स्कैन करके आप जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो बस इतना सिंपल था ये प्रोसेस। और आपको पता ही है कि DJI के ड्रोन इंडिया में कितने महंगे मिलते हैं, तो आप सोच लो वहाँ पे एक तो ऐसे ही सस्ता मिल रहा है आपको स्टोर पे, और उसके बाद अगर आप GST रिफंड भी 5% ऊपर से ले रहे हो तो कितना सस्ता और कॉस्ट इफेक्टिव परचेज हो गया आपका। इसका फ़ायदा ज़रूर लें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको थम्स अप ज़रूर करना, और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई अगर प्लान कर रहे हैं फॉरेन ट्रिप और वो बाहर से ड्रोन, आईफोन या फिर कुछ ऐसे महंगे गैजेट्स खरीदना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, उनके शायद काम आ सके और उनके पैसे बच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस। मिलते हैं अगले वीडियो।